नमस्ते प्रणाम। भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया बहुत ही ज्यादा गंदा वाला राजनीति होने लगा है। कभी खेसारी लाल यादव के साथ गंदा राजनीति होता है तो कभी अक्षरा सिंह के साथ भैया गंदा राजनीति हो जाता है। आप लोगों को बता दें कि अभी कुछ देर पहले अक्षरा सिंह लाइव आई हुई थी, किसी ने मुझे लिंक भेजा। जब उस लिंक को ओपन किए हम तो अक्षरा सिंह बोल रहे कि हमारे गाने पे रिपोर्ट मारा जा रहा है। हम बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सारे कंपनी पे जब गाना जाते थे तो उस कंपनी वाले को मना कर दिया जाता था कि इसका गाना रिलीज मत कीजिए। मेहनत करके अक्षरा सिंह ने अपना चैनल खड़ा किया भैया, यूट्यूब चैनल, उसमें गाना डालने लगा। और जब कोई दूसरे कंपनी से गाना आता है ना तो बता दें आप लोगों को उस गाने पे बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट मारा लगता है। और ये रिपोर्ट वही मरवाते हैं जो खेसारी लाल यादव से जलते हैं, जो अक्षरा सिंह से जलते हैं। ये वही स्टार हैं जो खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाते हैं और अब गठबंधन का सरकार बना रहे हैं। ये काम वही करते हैं जिनका गाना चलने नहीं लगा है, जो गाने पे एड लगवाने पे मजबूर हैं, समझे ना। ये वही स्टार लोग करते हैं, समझे ना, जिनको कुछ काम ही नहीं है, जिसका कुछ काम है, जो दिन भर बेगारी है, क्या करेगा बताइए। फिल्म भी नहीं मिल रहा है। अभी खेसारी लाल यादव पे एक नया फिल्म फिर से साइन हो गया, जिस फिल्म का नाम है डोली सजा के रखना। अब एक यूट्यूबर हम देख रहे हैं कुत्ता जैसा भौंक रहा है और बोल रहा है, उसका नाम शायद बोना बंदर है, इस टाइप से कुछ नाम है उसका। वो बोल रहा कि एक मोहतरमा लाई भाई, उसका कहीं से गाना रिलीज हुआ है। और फिर वो बंदर बोल रहा है कि कंटरवार भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना हिट करना है तो कंटरवार्सी करो, ऐसा वो बोना बंदर कह रहा है। आप लोगों को बता दें भैया, खेसारी लाल यादव का बहुत सारा गाना आया, उस गाने पे दूसरे लोग भी बात किए, खेसारी फैंस कितने भी बात किए खेसारी लाल यादव पे सपोर्ट में, या खेसारी भैया का जो न्यूज बनाते कितने लोग विरोध किए बताओ ना। खेसारी लाल यादव पर हिरान वाला गाना या कुत्ता जैसा भौंकने लगा, बहुत सारे लोग भौंकने लगा कि जातिवाद फैलाता। लेकिन जब दूसरा स्टार गाना गाएगा तो बहुत अच्छा है। बस यही गंदा राजनीति हो रहा है भैया। अक्षरा सिंह भैया इतना जबरदस्त एक्ट्रेस है, एक लड़की को आप रुला रहे हैं, जरा सा शर्म नहीं आता है। अपने तो बर्बाद हो गए हैं, जो अपने मेहनत से आगे बढ़ रही है उसको आप बर्बाद करने में लगे हैं। कभी भगवान आपका भला नहीं करेगा, समझे ना। जो सोचते ना बहुत बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर है, अब बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम समय है। यदि आप दूसरे के साथ गलत कीजिएगा ना तो आपके साथ भी गलत होगा, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी स्टार हो। यदि आप दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। एक लड़की के साथ आप इस तरह कर रहे हैं महाराज, थू, जरा सा शर्म नहीं आती है। अक्षरा सिंह का एक गाना भैया बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट किया, वो गाना हर एक शहर में बजा और अभी वो गाना बजता है। लेकिन कोई गाना अदर कंपनी से आ रहा है तो सोचता हमारा बाप का ही कंपनी है ये, उसमें रिपोर्ट मारवाने लगता है कुछ स्टार, बताइए। तो ये कहाँ तक सही है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदा राजनीतिक नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो लोग आगे बढ़ते हैं ना उसी का टांग खींचा जाता है। खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह अभी बहुत ही जबरदस्त, जी हाँ, पब्लिक के नजर में यही एक हीरो हीरोइन जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके नजर में है, जो सबसे आगे हैं, समझे ना। इन पे लोग जो है ना रिपोर्ट गाने पे मरवाने लगते हैं। और हिरान वाला गाना है तो विवाद कर दिए, अक्षरा सिंह कोई गाना गा दिया तो हमारे स्टार के ऊपर गाना गाया, अक्षरा सिंह लाइव आकर के कुछ बोल दिया तो हमारे बाप के ऊपर कुछ बोला, बताइए। अक्षरा सिंह का आप देखेंगे पिछले साल या उसके पिछले साल अक्षरा सिंह लाइव आकर के बता कि हमारा गाना तक रिलीज नहीं होने दे रहा है। जब मेहनत से अपना चैनल खड़ा कर दिया, अपने चैनल से गाना रिलीज करने लगी अक्षरा सिंह, अब यदि कोई दूसरे कंपनी से करता है तो रिपोर्ट मारने लगता है महाराज। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग भोजपुरी को बर्बाद करना चाहते हैं, समझे ना, खुद बर्बाद हैं, वो खुद बर्बाद हैं, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ रहे उसका टांग खींचना चाहते हैं, समझे ना। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ही लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए, समझे ना। मैं किसी स्टार का नाम नहीं ले रहा हूं और किसी स्टार को नीचा भी नहीं दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन जो ये घटिया हरकत करते हैं ना बहुत ही दुख होता है। आप सबों से निवेदन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाबा ने भोजपुरी को अपना प्यार दीजिए। और अक्षरा सिंह का म्यूजिक बाइट से गाना आया, गाने को सुनिए, भरपूर प्यार दीजिए। आई लव यू, धन्यवाद।